फिर से देखिए मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर रास्ते में। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह के 8:30 बजे। मेरा नाम विवेक, मैं हूँ इंडिया से, अभी फिलहाल इटली में अपनी स्टडीज कर रहा हूँ। फिलहाल अगर अभी की बात करूँ तो अभी मैं अपने वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो आज लाइव होने वाला है इटली के टाइम से 2:45 और इंडिया के टाइम से शाम के 6:15 पर। और ये टाइम अगर मैं विंटर में बात करूँ तो बदल जाता है, जो इटली का टाइम जो रहेगा 2:45 की जगह 1:45 हो जाएगा और इंडिया के टाइम सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ यूरोप में दो टाइम्स चलते हैं, समर्स के अलग होते हैं और विंटर्स के अलग, 1 घंटे का फ़र्क होता है। और अभी इंडिया और इटली के टाइम के बीच में अगर फ़र्क की बात करो तो 3.5 घंटे का है, विंटर्स में 4.5 घंटे का हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसे मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए वीडियो आ सके। और 365 डेज़ का मैंने जो चैलेंज लिया हुआ है और अभी तक मैं फेल नहीं हुआ हूँ, हर दिन एग्जैक्ट सेम टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूँ। हालांकि मेरे एग्ज़ाम से ना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए, बट हाँ समहाउ मैं मैनेज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, वीडियोज़ आ रही है। होप आप लोग का प्यार ऐसे मिलता रहेगा। और 3 महीने के अंदर 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो बहुत फास्ट नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है, ठीक है, चल रहा है। बस थोड़ा और आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो एक अच्छी रीच तक मैं पहुंच सकता हूं। चलिए करते हैं इसे काम अपना। फ्रेंड्स, अभी बाहर थोड़ा मौसम बादल वाला हुआ है और अभी ड्रोन उड़ाया काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी मैं ये ड्रोन वगैरह रिमोट वगैरह सबको चार्ज कर लिया है। चलिए चलते हैं बाहर, थोड़ा ड्रोन उड़ा कर आते हैं फिर। फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हैं 4:40 और अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर, क्योंकि मेरा ये जो गर्दन है ना यहाँ पे पूरे यहाँ से लेके कंधे के नीचे तक पूरा दर्द हो रहा है अचानक से। हालांकि मैं नहा रहा था तो नहाते समय हल्का हल्का दर्द हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और अभी पिछले 40-45 से दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब मेरे को डर लग रहा है रात में अगर सो नहीं पाया तो फिर कल प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, स्टडी करने में, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं जा रहा हूँ तो कुछ जैसे अपने यहाँ इंडिया में होता है ना बॉलिनी या फिर मूव वगैरह होती है, आई डोंट नो यहाँ कुछ क्या मिलता है, किस नाम से आता है, वैसा कुछ ले लेंगे और कोई पेन किलर टैबलेट ले लूँगा, क्योंकि हालांकि मैं पेन किलर खाता नहीं बट एग्ज़ाम के टाइम मेरे से नहीं लेना चाहता, सो मैं खाऊंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि 10 मिनट में हमारी बस है, तो पहुँचते हैं और दवा वा लेकर आते हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ। फ्रेंड्स, ये देखिए मौसम पूरा बदला हो रखा है जैसे बारिश का, आई डोंट नो क्यों मुझे मज़ा आ रहा है ये मौसम देखकर, इंडिया वाली फीलिंग आ रही है, जैसे होता है ना गर्मी के समय में इस तरह का मौसम होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि वाह मौसम ठंडा हो गया, ऐसा ही कुछ लग रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, मतलब हवा में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, गर्म भी नहीं है, नॉर्मल है, जैसा स्प्रिंग सीज़न होता है बेसिकली ना उसी तरीके का है। चलिए फिलहाल अभी हमारी बस भी आ गई है, चलते हैं बस लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही अपनी बस, चलिए चलते हैं अंदर, इसे रखते हैं अपना कैमरा यहाँ पर, फिर टिकट स्कैन कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया सिटी सेंटर और आगे जाना मेरे को वहाँ सामने, ये
कि जो ग्रीन में लाइट जल रही है ना, इसी के पास में मुझे जाना है। फ्रेंड्स, अभी मुझे दवा मिल गई है, मैंने ये ले लिया है, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव यहाँ मेडिसिन है। ट्रस्ट मी, मतलब इंडिया से अगर कंपेयर करें ना तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और जो मुझे जेल मिला वो 13 यूरो का मिला, छोटा सा जेल 30 ग्राम का है। और उसके बाद पेन किलर मुझे मिला, और एक दो, जैसा अपने इंडिया में होता है ना, पेन किलर हम 2-3 ले लेते हैं, ऐसा नहीं पूरा पैकेट मिला, डब्बा मिलता है, डब्बे में 10 था और वो 10 यूरो का पड़ा। मतलब पूरा दवा मिलाकर मेरे को 23 या 24 के आसपास पड़ा, कुछ डिस्काउंट भी उन्होंने दिया है। तो सोचो आप, एक सिर्फ गर्दन दर्द के लिए इतना पड़ गया, अगर 20 भी ऑन एवरेज लेते हैं तो कितना हो गया, 1800 दवाई सिर्फ गर्दन दर्द होने के लिए। बहुत ही महंगा होता है यहाँ पर मेडिसिन। फिलहाल चलिए, अब तो बस मिल नहीं पाएगी, तो 40 मिनट मेरे पास है, तो सामने थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, इंजॉय करके आते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, यहाँ लग रहा कोई ना कोई इवेंट चल रहा है और मुझे पता नहीं था। चलिए देख कर आते हैं क्या चल रहा है, सब बना हुआ इतना सारा, और आवाज़ भी आ रही है बहुत तेज़ से बाइक टाइप का। बट यहाँ समंदर में तो बाइक तो होगी नहीं, स्पीड बोट ही होगी। ये ऐसे स्पीड बोट चल रही है बहुत तेज से। ओ वाह, क्या हो रहा है, कुछ स्पीड बोट का कुछ तो हो रहा है इवेंट टाइप का। आगे चलते हैं देख कर आते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्वा बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, बताइए, मेरे बगल में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से हो रहा है। और अभी पता होने के बाद भी मैं इसे अटेंड नहीं कर सकता, जा नहीं सकता देखने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, स्टडीज़ करनी है। और अभी यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि बस का टाइमिंग हो गया, बस आने ही वाली होगी। चलिए चलते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इन चीज़ों को, एग्ज़ाम के बाद जो भी मस्ती करनी होगी, इन्जॉय करना होगा करेंगे, अभी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फ्रेंड्स, देखिए मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर रास्ते में, सब एकदम परफेक्ट टाइम पे मैं यहाँ बस स्टॉप पे आया हूँ, उस साइड में जाना है, और यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है 2 मिनट में बस आने वाली है। और ये जो है फाटक है ना, बंद हुआ है, ट्रेन आने वाली है, सो उसके उस साइड बस है, तो चलते हैं उस साइड, जैसे ही फाटक खुलेगा ट्रेन जाएगी, तुरंत बस आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैं दवा लेकर आ गया था और थोड़ा स्टडी करने लग गया था, बट ये जो दर्द है ना, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब मुझसे ना पढ़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैंने दवा खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, और अब ब्लॉग भी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।